हाल ही में थाईलैंड के पटाया में इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप आयोजित हुई। चैंपियनशिप में राजस्थान का भी नाम गौरव से ऊंचा हुआ है। यह नाम राजस्थान की बेटी प्रिया सिंह ने किया है। दरअसल प्रिया ने इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। यह वही प्रिया सिंह है जो साल 2018 से 2020 तक 3 बार मिस राजस्थान का खिताब भी अपने नाम कर चुकी है। बता दें कि बीकानेर जिले की मूल रूप से रहने वाली प्रिया की शादी 8 साल की उम्र में ही कर दी गई थी, लेकिन परिवार की खराब आर्थिक हालत की वजह से प्रिया सिंह ने नौकरी की। प्रिया ने जिम में नौकरी के लिए आवेदन किया, यहाँ उन्हें उनकी पर्सनैलिटी की वजह से नौकरी मिल गई। इसके बाद दूसरों को देख प्रिया ने जिम में ट्रेनिंग ली और राजस्थान की पहली सफल महिला बॉडी बिल्डर बनी। बता दें कि इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट प्रिया 2 बच्चों की माँ है। प्रिया का कहना है कि एक महिला को बॉडी बनाने में एक आदमी के मुकाबले ज्यादा डाइट और मेहनत लगती है। उनकी सफलता के पीछे उनके परिवार ने साथ दिया, जिसकी वजह से वो आज सफल जिम ट्रेनर है। बता दें कि प्रिया को जिम करते हुए पता चला कि इसमें बॉडी बिल्डर चैंपियनशिप भी होती है, लेकिन राजस्थान में कोई भी महिला इसमें नहीं जा सकी। बस उसी दिन से प्रिया ने चैंपियनशिप में जाने को ठान ली और लगातार डाइट और दूसरी बातों का ध्यान में रखकर दिन रात मेहनत में करने लगी। प्रिया सिंह का सोशल मीडिया पर अकाउंट है जिसमें लिखा है कि घूंघट से बिकनी तक का सफर। प्रिया सिंह के इंस्टाग्राम पर ही करीब 33,000 फॉलोअर है। वहीं सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी वायरल हो रही है। बता दें कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद और पत्रकार नजीर हुसैन ने प्रिया सिंह की पीड़ा बयां की है। इन्होंने ट्वीट कर प्रिया सिंह का सम्मान करते हुए तस्वीर पोस्ट कर बताया कि इंटरनेशनल लेवल पर स्वर्ण पदक जीतने के बावजूद प्रिया सिंह को सरकार या खेल प्रेमियों की तरफ से वो मान सम्मान नहीं मिली जिसके वे हकदार हैं। प्रिया सिंह और उनके समर्थकों को मलाल इस बात का है कि इंटरनेशनल लेवल पर पदक जीतने के बावजूद केंद्र की नरेंद्र मोदी और राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने उनकी प्रतिभा का सम्मान नहीं किया। यहाँ तक कि थाईलैंड से लौटने पर प्रिया सिंह इंटरनेशनल से घर तक अकेली ही गई। सोशल मीडिया पर प्रिया सिंह का एक इंटरव्यू के हवाले ये भी दावा किया जा रहा है कि वे खुद भी मानती है कि जातिवाद की वजह से उनके साथ भेदभाव होता है। नमस्कार, मैं हूं आशीष और मेरे साथ है आज प्रिया सिंह। ये प्रिया सिंह जो एक बाल विवाह सर्वाइवर है, जिसने देश का नाम रोशन कर दिया, थाईलैंड में जाकर गोल्ड मेडल लेके आए, आपकी मुलाकात कराते हैं प्रिया सिंह से। प्रिया सिंह, बाल विवाह सर्वाइवर होने के बाद में कभी जीवन में सोचा था कि इतनी बड़ी उपलब्धि आपके हाथ लगेगी? कभी नहीं सोचा सर। एक ऐसे जब खेत में काम करते, बकरी चराते या मिट्टी में बर्तन साफ करते है ना, तो ऊपर से एरोप्लेन जाती थी ना, तो ऐसे कहते थे भगवान इस जन्म में तो तूने हमारे को ये एरोप्लेन में बैठने नहीं दिया, अगले जन्म में भगवान जरूर देना। पर मुझे कभी ये पता नहीं था कि भगवान मुझे इसी जन्म में बिठा देगा। तो एरोप्लेन की मंशा से शुरू हुआ ये सफर, ये एकदम से आप जिस परिवेश से आती हैं, मेरे ख्याल में बीकानेर घूंघट पड़ता पता, घूंघट से निकल के आप ऐसे बोल्ड प्रोफेशन में चली गई, वहां से भारत के लिए मेडल भी ले आई, ये एकदम से कैसे की, प्रेरणा कहाँ से आई, हिम्मत कहाँ से आई? सर, हमारे बीकानेर में है ना, घूंघट में ही बहू मर जाती है और घूंघट में ही सास मर जाती है जमाई से, तो सामने नहीं दिखाती, बिना खून तक नहीं जाती। और घूंघट में बहू इसलिए मर जाती है, कितनी भी बूढ़ी हो जाओ वो अपनी सास के सामने घूंघट नहीं निकलेगी। और ये इसलिए हुआ कि मैं बाल विवाह सर्वाइवर हूँ, 5 क्लास तक पढ़ी हूँ, खेतों में काम किया है, बकरी चराई है, लकड़ी तोड़ी है, और मेरा भतीजा देखेगा सुने रहा है, ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने नहीं किया। और कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैं आज इस मुकाम पर होंगी। हाँ, गेम मेरा फेवरेट रहा है। पहले स्कूल टाइम में जब हम गेम खेलते थे ना, तो बर्तन लाते थे, कटोरी प्लेट धामे यही मिलते थे, तो पेरेंट्स खुश हो जाते थे। और जब थोड़ा और बड़ा खेला, कबड्डी में गए, तो मेडल वेडल लाते थे, तो पड़ोसी वड़ोसी खुश हो जाते थे। तो गेम में मैं हमेशा अव्वल रही हूँ। और उसके बाद मैंने ओपन से स्टडी की है, और जब भी मुझे कहीं सफलता हासिल नहीं मिली तो ऐसे पर्सनैलिटी को देखते हुए जिम में ट्रेनिंग की है। तो जब गेम में थे तो जिम में आप सोचो कितना बेहतर कर सकते हैं। तो जिम में ट्रेनिंग करने के बाद मैंने बॉडी बिल्डर देखे, लड़कियां देखी बॉडी बिल्डर, तो अच्छा लगा। और किसी भले आदमी ने ऐसे बोला कि एक सरकारी आदमी 5 साल में नहीं कमा पाता जितना आपके 1 साल में कमा लेते हैं बॉडी बिल्डर। तो ये सोच के उसमें कूद गए, ये सोच के कूद गए। और ये सोचा नहीं था, पर ये नहीं बताया कि कूद तो जाओगे आप, पर जितना कमाओ ना उससे डबल लगेगा, ये नहीं बताया। तो पैसा लग भी रहा है और पैसा आ भी रहा है, बिल्कुल। लाखों का कर्जा हो गया, लाखों का कर्जा हो गया। रातों रात
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के ट्वीट के बाद में चर्चाओं में आ गई प्रिया सिंह, और ये चर्चाएं और बढ़ गई जब पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ट्वीट कर दिया, और ट्वीट ऐसा हुआ कि ये चर्चाएं दोनों पक्ष में चलना शुरू हुई, कुछ अच्छी और कुछ बुरी। जब कुछ अच्छा अचीव करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बुराइयां उसके साथ में आ जाती हैं, तो कई आरोप भी इस मेडल के साथ में चिपक के आए हैं। सर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो मेरे को क्या फर्क पड़ेगा, दुनिया का कुछ भी बोलती रहो, दुनिया आपसे बोल रही है ना कि वो तो अकेली थी और अकेली जीत आई। मैं अकेले जाने की हिम्मत रखती हूँ ना, मैं लड़की हूँ, मैं औरत हूँ, मैं राजस्थान से इकलौती हूँ बॉडी बिल्डिंग में, मैं इतनी दूर जा सकती हूँ ना, तो मैं अकेले क्यों नहीं ला सकती, आप बताओ। ये मान लो किसी लड़की, चार लड़कियों के लिए मिला बना है, मान लो चार लड़कियां नहीं उतरी, मैं अकेली उतर गई, मैं ले आई, कहाँ बुराई है, कोई बुराई है आपको, कहीं बुराई दिख रही है सर, आप बताओ। ये वो मेडल है, ये प्रो कार्ड है, प्रो कार्ड है, और ये वो मेडल है जो ये थाईलैंड से लेके आई है। मुझे बस उस वक्त का फीलिंग बता दो जब राष्ट्रगान बजा, जब मैंने भगवान से कहा था कि भगवान मेरे को टॉप फाइव में तो ले आना ताकि मैं इंडिया में घुसने लायक रहूं। सच बता रही हूँ, मैंने ड्रीम भी नहीं सोचा था, ये सोचा भी नहीं था कभी भी। ये शिल्पी मेरी फ्रेंड है, उससे पूछ लो, मैंने बहुत लोगों से कहा कि मैं पांच में आ जाऊं, वो मेरी सबसे बड़ी खुशी। मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे को गोल्ड लगेगा, मैंने ये नहीं सोचा था मेरा प्रो लगेगा, बट जब ये प्रो बोला और ये लगा ना, तो मेरे पैर शिवरिंग कर रहे थे। राष्ट्रगान बजा जब, क्या फीलिंग थी? ये शिवरिंग कर रहे थे और मेरे को सामने घर वाले दिख रहे थे, अपने इंडिया वाले दिख रहे थे, मेरे काश मेरे घर वाले, ऐसे में कहा, सच बताऊं मैं रोने लग गई थी। पांचवी क्लास पास, बाल विवाह सर्वाइवर, हवाई जहाज में बैठने की इस जीवन में आस नहीं रखने वाली, थाईलैंड से देश के लिए राष्ट्रगान के साथ में लेके आई मेडल, वो भी सोने का। तो यूं ही नहीं कहते कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से टकरा के नौका पार नहीं होती। ये मेरे साथ है प्रिया सिंह, इनको बधाई दीजिए कि ये लेके आई, और हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप आगे भी, और मैं आगे भी जाऊंगी ओलंपिया खेलने, यूनिवर्स खेलने, जो मेरे लिए मैं ऐसी बातें करते हैं ना, तो आप अगली बार ध्यान रखना कि मैं जाऊं। तो साहब आप इनके लिए दुआ करना कि ये जाएं, और इसी तरीके से ये हिम्मत जो आज प्रिया सिंह ने दिखाई है, ये इस देश की हर लड़की में ये हिम्मत आए, और ये प्रिया सिंह उन हर लड़की की प्रेरणा बने जो कहीं ना कहीं अपने सपनों को और अरमानों को इसलिए मार रही है कि वो लड़की है। अगली बार आपकी मुलाकात फिर किसी ऐसे ही जांबाज से कराएंगे, जब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।